हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे थे मंदिर। तो ये राजस्थान जयपुर का बहुत ही फेमस मंदिर है। तो ये जयपुर से 100 किलोमीटर्स की समथिंग की डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, काफ़ी टाइम से हम लोग कर रहे थे यहाँ जाने की, तो आज जाना हुआ वहाँ पे। तो यहाँ से हम घर से निकल रहे थे, तो ये मॉर्निंग में हम 12 PM के समथिंग निकले थे हम घर से। और ये मेरे साथ मेरी कज़न्स है, किशु बेटा है, मेरे चाचा जी हैं एंड चाचा जी की फ्रेंड है, और पीछे मेरी बुआ का लड़का है, और आगे से मेरा भाई भी साथ जाएगा। तो हम लोग सभी गए थे, 1 ईयर से कर रहे थे हम लोग वहाँ जाने की। यहाँ पे प्रसाद चढ़ाना था हमें, इसलिए जाना था। तो चलिए, आप लोग भी घूम आइए हमारे साथ में। तो वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, हम जल्दी ही फ्री हो गए थे वहाँ से, तो 10-15 मिनट में ही। बट जाने में और आने में हमें 4 आवर्स लग गए थे। 2 घंटे जाने में चाहिए थे और 2 घंटे आने में, ऐसे हमें 4 घंटे लग गए थे आने जाने के ही। और वहाँ पे तो हम आधे घंटे के समथिंग में फ्री हो गए थे, क्योंकि बस वहाँ पर दर्शन करने थे, प्रसाद चढ़ाना था एंड देन फ्री होना था। तो हम जल्दी आ गए थे, 12 बजे के निकले थे घर से, और शाम को 4:30 या 5 बजे तक हम वापस भी आ गए थे, क्योंकि ज़्यादा रश नहीं थी। वैसे अगर कोविड नहीं होता है तो वहाँ पे बहुत रश रहती है पूर्णिमा पे, और एकादशी पे बहुत ज़्यादा रश रहती है वहाँ पे। तो हम आधा डे ही गए थे वहाँ पे, क्योंकि कोविड में ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना जाना भी ठीक नहीं है, और फिर छोटा बच्चा भी साथ में, क्योंकि किशु मेरे बिना नहीं रहता, मेरे साथ ही रहता है और मैं भी उसे साथ ही रखती हूँ हमेशा। तो अब ये बीच में कुछ खाने लग गए थे गाड़ी में चलते चलते, और यहाँ से फिर मेरे कज़न को लिया था, मेरे ब्रदर को, तो ये मेरे चाचा जी का पेट्रोल पंप आ गया था। तो यहाँ से किशु अपने टॉयज़ भी साथ में ले आया था, इसका टॉयज़ का बैग था स्मॉल सा, उसको साथ ले आया था। तो अब आप आगे इंजॉय कीजिए, मैं आगे आपसे फिर से बात करती हूँ आगे चल के, तब तक आप देख लीजिए। अभी तक यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, इसलिए बहुत ड्राई ड्राई सा है, बट जब बारिश हो जाती है तब ग्रीनरी बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ पर, बट यहाँ पर बारिश कम ही होती है जैसे आप लोगों को। यहाँ फ्रेंड्स हम पहुँचने वाले थे, ये देखिए पहुँच गए हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले गाड़ी को हमें बाहर ही पार्क करना होता है, और फिर थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ता है अंदर से। तो अभी पूर्णिमा नहीं है, एकादशी नहीं है, तो इतनी रश नहीं है, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लगती है। बट फिर भी हम जब तक पहुँचे थे 2:30 बज गए थे, तो तब तक गेट बंद हो गए थे पट बोलते हैं जिन्हें, तो हमें फिर वहाँ पर वेट करना पड़ा था, लाइन में लगना पड़ा था। बट वो 10 मिनट बाद में जब भोग लग गया था भगवान जी को, उसके बाद में वापस से खुल गए थे, तो फिर हम दर्शन करके वापस लौट आए थे।
से यहाँ पे हम दर्शन कर चुके थे और वापस हम निकल गए थे यहाँ से जल्दी ही। थोड़े बहुत लोग तो थे यहाँ पे, आते रहते हैं जो, और अब यहाँ से बाहर से फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। तो ये डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है, राजस्थान में बहुत फेमस मंदिर है। तो यहाँ की मान्यता भी बहुत अच्छी है, अगर हम कुछ भी मन्नत मांगते हैं तो वो ज़रूर से पूरी होती है। तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे, फिर हम थोड़ी दूर आगे जाके फिर हमने नाश्ता किया था। तो यहाँ पे हमने मावा लिया था एंड प्याज की कचौरी ली थी, और तो आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।